नोवेल कोरोना वायरस से जहां पूरे विश्व में त्राहिमाम की स्थिति है, तो वहीं भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन है। लॉकडाउन में घरों में कैद गरीबों की मदद के लिए अब सामाजिक संगठनों ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार के गया में लॉकडाउन में घरों में कैद गरीबों को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा अतारी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक अपेक्षित परिवारों को मदद पहुँचाया गया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में महासचिव शैलेंद्र कुमार ने राहत सामग्री का वितरण किया। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि शैलेंद्र कुमार के द्वारा अतारी विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख रुपए की राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। क्या कार्य यहाँ पर किया जा रहा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी की चपेट में पड़ा हुआ है और हर रोज ऐसे लोग भूखे सो रहे हैं, भूखे पेट सो रहे हैं, उनका परिवार भूखे पेट सो रहा है जो रोज कमाने और खाने वाले लोग। पिछले 10 दिनों से लोग अपने घर में लॉकडाउन की स्थिति की वजह से बंद हैं। रोज कमाने वाले खाने वाले लोगों का घर का चूल्हा जलना बंद हो गया। ऐसे में हम लोग दिल्ली, गुजरात, झारखंड, बिहार, बेंगलोर, मुंबई, जहाँ भी जो बिहार से बाहर लोग कामकाज के दृष्टिकोण से गए हुए थे भरण पोषण के लिए, वो आज फंसे हुए हैं, उनकी भी मदद अपने संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के माध्यम से करवा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि माननीय शैलेंद्र जी संगठन के पुराने साथी हैं और पुराने समाज सेवी भी हैं। जब भी कोई ज़रूरत इनके इर्द गिर्द के लोगों को पड़ती है तो ये अपने स्तर पर मदद करते हैं। ऐसे में इन्होंने एक प्रण लिया है कि मैं अपने क्षेत्र के किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दूंगा। इसी क्रम में इन्होंने 20,000 घरों तक राशन सामग्री और कोरोना से लड़ने के लिए जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, डेटॉल, साबुन आदि जरूरी सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, जिसमें 200 क्विंटल चावल, 200 क्विंटल आटा, 100 क्विंटल आलू, लगभग 10,500 बोतल सरसों तेल की सीसी है, उसके अलावा दाल है करीब 20 क्विंटल है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की ज़रूरत भी समाज को है जो बिल्कुल जात पात धर्म इससे इस भेदभाव को भूलकर और मानवता के नाते इंसानियत को बचाने के लिए आगे आए और अपने जितना वो सक्षम हो, जितना सामर्थ्य उनकी हो, उसके हिसाब से अपने आस पड़ोस के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। वहीं शैलेंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के 20,000 से 25,000 परिवारों को ये राहत सामग्री वितरण किया जाएगा, जिससे लॉकडाउन में अपने घरों में कैद गरीबों को भोजन के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, गया।